जैसा कि आप सब जानते हैं कि जून के माह में दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। एक तो पहली परीक्षा है यूजीसी नेट जेआरएफ, जून 2023 में आयोजित होगी, और एक दूसरी परीक्षा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो हिंदी में पीजी करना चाहते हैं उनके लिए सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। तो इन दोनों ही परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैं कुछ एपिसोड्स ला रहा हूँ, और छात्रों की विशेष मांग थी कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊँ, कुछ वीडियोज बनाऊँ। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन कैसे शुरू हुआ और कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी नाम के विद्वान ने किया था। गारसा दत्तासी ने किश्तवाड़ दलालित रयतुर एंदु या हिंदुस्तानी नाम की एक किताब लिखी जो फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी, और यह दो भागों में है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और जो दूसरा भाग है वह 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रोफेसर नलिन विरोचन शर्मा ने अपनी किताब साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है। गारसा दत्तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार ना होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। काल क्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। तो डॉक्टर नलिन विरेचन शर्मा का कहना था कि जो गारसा दत्तासी नाम के विद्वान हुए उन्होंने पहला इतिहास लिखने का प्रयास तो किया, ये पहले इतिहास लेखक थे, लेकिन उन्होंने जो विभिन्न कवि हैं उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार नहीं जमाया, किस काल से संबंध रखते थे, किस समय काल से संबंध रखते थे, बल्कि वर्णक्रम के हिसाब से उन्हें जमाया। और जो इतिहास होता है वह कालक्रम पर आधारित होता है, और जो शब्दकोश होता है वह वर्ण पर आधारित होता है, वर्ण के अनुसार। तो गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वह फ्रांसीसी भाषा में लिखा था, और पिछली बार सीवीटी एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। तो यह फ्रांसीसी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था गारसा दत्तासी ने, जिसका नाम था इस्तवार दला लित रेतुल एंदुए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। इसके बाद शिव सिंह सेंगर नाम के एक विद्वान हुए, इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की जो सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में मतलब फर्स्ट हाफ में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख अकारादि क्रम से है, अकारादि क्रम मतलब वही वर्ण क्रम से है ना, जैसे उसमें डिक्शनरी में जो व्यवस्था होती है शब्दकोश में वर्ण क्रम के आधार पर हम देखते हैं आ आ ई ई इस तरह से। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय अकारादि क्रम से दिया गया है। जो सेकंड हाफ है उसमें 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया हुआ है, यह भी वर्णानुक्रम पर आधारित है, अकारादि क्रम से दिया गया है। इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई है, उनके जन्म मृत्यु का समय भी दिया गया है। 263 कवियों की तिथियां नहीं है, और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। हमें 53 कवि विद्यमान है मतलब एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनके रचनाओं का नाम नहीं दिया गया है। शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था, अतः शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया। शिव सिंह सरोज में इतने ज्यादा कवियों को शामिल कर लिया गया कि इसके पहले इस टाइप का लिखने का प्रयास किसी ने नहीं किया था, इसीलिए शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, अर्थात टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। इसको आप ध्यान में रखें, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित जो इतिहास है वह है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी ने ही प्रत्युत ग्रियर्सन है। विधेयवाद से क्या तात्पर्य है? विधेयवाद से तात्पर्य है कि जो कवि हैं उनके समकालीन परिस्थितियां, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जनजीवन कैसा था, समाज कैसा था, उससे संबंधित जो इतिहास लिखा जाता है, मतलब उस कवि के समय में जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी उसका उस कवि के रचना पर क्या प्रभाव है, तो इस प्रकार के इतिहास को कहा जाता है हिंदी का विधेयवादी इतिहास। और इसके जो प्रवर्तक है, मतलब सबसे पहले इसका प्रवर्तन किसने किया है? ग्रियर्सन ने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं किया है, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का
काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है, अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। तो इतिहास की पहली शर्त क्या है? इतिहास में जो कवियों और लेखकों का जो वर्णन किया जाता है वह काल क्रम के अनुसार होना चाहिए, ना कि वर्ण क्रम के अनुसार। तो काल क्रम के अनुसार और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर जो पहला इतिहास लिखा गया वह डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया और इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं और केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी किससे सहायता ली है? शिव सिंह सरोज से, लेकिन उन्होंने इसको व्यवस्थित क्रम से जमा दिया। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर है, जिन पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है वह किस पर बेस्ड है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पर बेस्ड है। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु के नाम से रचना करते थे। आप ध्यान में रखें कि परीक्षा में यह पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो ये तीनों भाइयों का नाम आपको याद रखना है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों को मिलाकर कहा जाता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक वृहद इतिहास 1913 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था तीन भागों में, और इसका जो चौथा भाग है यह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों और लेखकों का विवरण है। तो मिश्र बंधु विनोद कवि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं और इसे हम बहुत ही महत्व प्राप्त है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें इतिहास के साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ कवियों का निरूपण हुआ है। काव्य धाराओं का जैसा विवेचन इस ग्रंथ में है वैसा अन्यत्र हमें नहीं मिलता है। कवियों और लेखकों की शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उनके प्रमाण स्वरूप उपयुक्त उदाहरण भी मिलते हैं, तो इन्होंने इनकी समालोचना भी की है। न केवल कवियों और लेखकों का उन्होंने वर्णन किया है बल्कि यह भी बताया उनकी आलोचना भी की है, समालोचना भी की है, उनकी क्या अच्छाइयां हैं, उनमें क्या कमी है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज है और जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, उसे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वृत्त संग्रह शब्द कहा है, वृत्त संग्रह कहा है। इनके अनुसार हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है। वृत्त संग्रह में सबसे वृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है, यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया और उसी के आधार पर बाद के जो विद्वान है उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, समय समय पर आप देखेंगे विक्रम संवत लिखा रहता है, विक्रमी संवत, तो विक्रमी संवत में से 57 वर्ष यदि घटा देते हैं तो ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। जैसे विक्रमी संवत 1950 लिखा है तो 57 घटा दीजिए, जो भी आएगा वो ईस्वी सन हो जाता है। इसी प्रकार ईस्वी सन में 57 जोड़ वर्ष जोड़ देने से विक्रमी संवत मालूम हो जाता है। जैसे ईस्वी सन 1980 है तो उसमें 57 वर्ष जोड़ देंगे तो वह विक्रमी संवत में बदल जाता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक यह भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी भाषा और साहित्य 1931 ईस्वी में। इसमें हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10 अध्याय हैं। हिंदी साहित्य में विशिष्ट धाराओं का वर्णन आद्योपांत है, मतलब शुरू से आखिर तक हिंदी साहित्य की जो विशिष्ट धाराएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, इनका वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। एक डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल नाम के विद्वान हुए हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1931 में, यह भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहासों में एक पुस्तक के रूप में यह सबसे बड़ा है। इन किताबों का नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी जोड़ियां बनाने के लिए पूछी जाती है या फिर यह पूछा जाता है कि इस साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है।
इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास यह 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है, इन्होंने कवियों की भाषा के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा नाम के विद्वान हुए, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है और प्रायः परीक्षाओं में यह पूछा भी जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है इसको लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में। अपनी विस्तृत सामग्री और श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण इसे विशेष ख्याति प्राप्त है। इसमें सिर्फ आदि काल और भक्ति काल का ही उल्लेख है, इसका प्रस्तावित दूसरा खंड अभी तक नहीं लिखा जा सका है। तो यह इतिहास ग्रंथ कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, इसमें केवल आदि काल और भक्ति काल का ही उल्लेख किया गया है। विश्व भारती नाम की एक संस्था है, उसके अहिंदी भाषी साहित्यकारों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान दिए थे, जो लेक्चर दिए थे, उन्होंने संशोधित परिवर्तित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के रूप में 1940 ईस्वी में यह किताब प्रकाशित हुई थी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, तो यह पुस्तक रूप में 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साहित्य इतिहास के अध्ययन में के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है वह इस ग्रंथ में आद्योपांत मिलती है। इसमें हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबंध करने का प्रयास किया गया। पुस्तक रूप में 1940 में प्रकाशित की गई। साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, मतलब अंदर झांकने की जो आवश्यकता होती है, साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है वह इस ग्रंथ में शुरू से आखिर तक मिलती है। इसमें हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास किया गया, मतलब हिंदी साहित्य और अखिल भारतीय साहित्य में क्या संबंध है इसको संबद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने भी एक किताब लिखी, आधुनिक हिंदी साहित्य नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ का इन्होंने लिखा। इसमें 1850 से 1900 ईस्वी तक के साहित्य विकास की शोध परक अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। 1850 से 1900 तक क्या क्या साहित्य लिखे गए। इसके बाद डॉक्टर कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी में लिखा। इसमें 1900 से 1925 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। अब हिंदी साहित्य के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं इतिहास के, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास या हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1997 ईस्वी प्रोफेसर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी डॉक्टर रामकिरण पांडे। हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य महत्वपूर्ण किताब है 1967 ईस्वी में अज्ञेय जी ने प्रकाशित की थी। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां प्राय परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां 1964 ईस्वी और इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर 1954 ईस्वी और इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे सॉरी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, अत्यंत महत्वपूर्ण किताब प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1969 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी सुमन राजे, परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है जोड़िया बनाने के लिए अथवा यह कि इसके लेखक या लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को जो महत्व है प्राप्त है, वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल, इसका भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, अत्यंत महत्वपूर्ण किताब, प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है यह प्रश्न। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास चार भागों में 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक हैं नीलाभ। इसी प्रकार हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जो शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का फल है।
हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, और यह 16 खंड में प्रकाशित हुआ है, और यह 100 से भी ज्यादा लेखकों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। तो यह हमने पृष्ठभूमि देखी हिंदी साहित्य के इतिहास की। अब हम अगले एपिसोड में कुछ आगे अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे।